हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि यदि आप अपना मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो तो आप यदि ऊपर वाली पॉकेट पे यानी हार्ट के पास में यदि आप मोबाइल फ़ोन को रखते हो तो इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और क्या नुकसान होता है। तो ये वीडियो खास एक चैनल पर कॉमेंट आया था जो आपको स्क्रीन के पीछे दिखाई दे रहा है, तो उसके बेस पे बना रहा हूँ ताकि आप सभी के साथ है वो शेयर भी कर सकूं। तो वैसे तो मुझे बायोलॉजी के अंदर इतना नॉलेज नहीं है, जीव विज्ञान के अंदर, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा मेरे लेवल पे कि आपको बेस्ट तरीके से वो समझा पाऊँ। वैसे तो मोबाइल के अंदर टावर से आने वाली जो रेडिएशन होती है वो आपके जो मोबाइल फ़ोन आप जब ऊपर वाली पॉकेट पे रखते हो तब उससे आने वाली जो रेडिएशन है उस पर हार्ट पर है वो बुरा असर पड़ता है। मेन फैक्ट तो ये है, उसके साथ साथ मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूँ जो बहुत से लोगों को पता नहीं होता है। इस फैक्ट को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, बीच में स्केप ना करें, स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखें। हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो जो मेन फैक्ट होता है इसका, यदि आप ऊपर वाली पॉकेट के अंदर अपना मोबाइल फ़ोन रखते हो और मोबाइल फ़ोन यदि वाइब्रेशन करता है, कंपन करता है, उस समय आपका फ़ोन जब वाइब्रेशन कर रहा है, यदि आपका हार्ट स्पंदन करता है यानी ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान के अंदर भेजता है या शुद्ध रक्त को अशुद्ध रक्त के हिस्से में भेजता है, तो उस समय के दौरान यदि आपके मोबाइल की वाइब्रेशन का जो फ्रिक्वेंसी है और हार्ट के स्पंदन करने की जो फ्रीक्वेंसी है वो यदि मैच हो जाए यानी सेम हो जाए, यानी स्पंदन जब हार्ट स्पंदन करता है उस समय की जो फ्रीक्वेंसी है और आपके मोबाइल का जो वाइब्रेशन करता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो यदि दोनों आपस के अंदर मैच हो जाए यानी सेम हो जाए तो आपकी ये वो डेथ भी हो सकती है। तो इसीलिए मोबाइल फ़ोन को वो ऊपर वाली पॉकेट के अंदर नहीं रखना चाहिए। तो ये बहुत कम चांस है कि ऐसा हो, लेकिन कभी कभी हो भी जाता है, लेकिन ये बहुत कम होता है ऐसा। इसीलिए हम लोगों को वार्निंग दी जाती है कि मोबाइल फ़ोन को आप ऊपर वाली पॉकेट के अंदर न रखें। तो मेन रीज़न है वो तो यही है कि आप अपने मोबाइल को वो पॉकेट के ऊपर वाले हिस्से में न रखें, क्योंकि हार्ट की जो फ्रिक्वेंसी है और मोबाइल की फ्रिक्वेंसी है वो बहुत कम मैच होती है, लेकिन कभी ऐसा समय हो कि मैच भी हो जाए तब आपकी वो डेथ भी हो सकती है। तो खास करके ध्यान रखें, मोबाइल को अपनी पॉकेट के ऊपर वाले हिस्से में न रखें, हार्ट के पास में, और रात को सोते समय तकिए के पास में मोबाइल को वो रात को सोते समय न रखें। यदि आप रात को सोते समय मोबाइल को अपने पास में रखते हैं सिर के हिस्से के साइड में तो आपकी जो याद रखने की जो मेमोरी होती है वो भी कम होती है, क्योंकि इससे भी जो आप मोबाइल फ़ोन के अंदर रेडियस आती है उस रेडियस से ब्रेन पे भी वो बुरा इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों, मैंने एक छोटी सी जानकारी आपको देने की कोशिश की, आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करें, और हाँ दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब है वो ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलने वाले हैं टेक्निकल से रिलेटेड और भी बहुत वीडियो। हाँ, यदि आपके भी इस टाइप से कोई ब्रेन के अंदर या माइंड के अंदर इस टाइप के कोई क्वेश्चन होते हैं कॉमेंट सेक्शन के अंदर जाके कॉमेंट करें, उस पर वो उस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँगा। यदि आप चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट लिखें, उस टॉपिक पे वो वीडियो है मैं बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।